सिलीगुड़ी में एक नर्स की मौत पर परिवार वालों ने उठाया सवाल, कहा आत्महत्या नहीं हत्या हुई है। सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली में रहस्यमय तरीके से एक नर्सिंग होम के नर्स का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका का नाम अर्चना थापा है, वह दार्जिलिंग की रहने वाली थी। मृतक के परिवार ने दावा किया है कि घटना आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली इलाके के एक घर में एक नर्सिंग होम की नर्सें रहती थी। बीती रात उस घर में एक नर्स का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। इधर घटना का पता चलते ही इलाके में काफ़ी सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस घर में देर रात तक कई लोगों का आना जाना लगा रहता है। साथ ही घर के मालिक को वहाँ रहने वाले लोगों की सही जानकारी भी नहीं है। इस बीच घटना के बाद जब नर्सिंग होम के नर्स का शव लेने की कोशिश की गई तो स्थानीय निवासियों ने शव को ले जाने से रोका। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर अस्पताल ले जाया गया। खबर मिलते ही मृतक के परिजन आज दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों को संदेह है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। उनका यह भी दावा है कि मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। मृतक के परिवार ने न्याय की मांग करने के साथ ही हत्या की शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है। আচ্ছা কি দেখলেন বডি? আমি এখন শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে যে মর্গ আছে সেখানে আসলাম, বডি দেখলাম। বডি দেখে এরকম লাগলো কি সুইসাইড হয়নি, এটা মর্ডার হয়েছে। যেভাবে একদম দেরি ফিমেলরা যেভাবে পড়ে যে কি বলে ওই যে টুঙ্গি টুন্নি তিন চারবার গলাতে দিয়েছে, এরকম তো হয়নি। সেই দিয়ে দেখে সন্দেহ হচ্ছে কি এটা মর্ডার। গায়ে অন্য কোনো আঘাত আছে দেখছে? দেখছে আমি ওই রকম ফিল করলাম, এটুকুই বলি। তাহলে এই ঘটনায় কি আমরা পুলিশকে অভিযোগ জানাবো? নিশ্চয়ই 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 লিখিত ভাবে আমরা ডায়রি করব, ফোনের অভিযোগ করবো নিশ্চয়ই। क्या पता नहीं उसका क्या करेगा सुसाइड। अच्छा बात पता है हमको। हम आपको क्या लग रहा है कि सुसाइड है या नहीं? सुसाइड क्या है आपको मालूम नहीं है? खाई छैन मालूम नहीं है। अब लोग क्या लग रहा है? कोई हम आएंगे, हम आना सिर्फ नाराबाजी लग रहा है बाहर में। हाँ हमको तो बेहोश हो गया। क्या नहीं मांग रहा है? नहीं नहीं, हमारे बेटी के लिए सब लोग बोल रहे हैं नहीं दे बोल रहे हैं। किस चीज के लिए आप लोग न्याय मांग रहे हैं? मेरी बेटी के लिए नहीं मांग रहे। मतलब किसको शक कर रहे हैं आप लोग? शक तो हम कुछ नहीं, पता नहीं हमको। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या तो मतलब अननेचुरल डेथ है या इसके पीछे कोई रीजन होगा? नहीं हमको तो मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम नहीं है। पुलिस में भी एफआईआर कर रहे हैं? हाँ। क्या एफआईआर कर रहे हैं? हमारे बेटी के लिए न्याय चाहिए। हम नहीं मतलब एफआईआर क्या चीज कर रहे हैं? मर्डर केस का एफआईआर कर देंगे? क्यों पता नहीं उस मैडम का निकली पता है। क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इम्पोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। द सिल्वर स्टोरी, SF रोड, सिलीगुड़ी, बिसाइड चेतना नर्सिंग होम, 9832341000। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भैरो फल फूल दिन। तेसरी नई एसआईपी में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकम हरू भविष्य में ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होस में जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनु होस्।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ गारंटीड। 3 करोड़ को 2 बटा पुरस्कार धेरे पुरस्कार हरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्रॉ 9 नवंबर। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 में पहला पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा के दबाई हनुन से यशपाली को करोड़पति।